माय चैनल ड्रीम ग्लैम गर्ल्स और आज मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो लाई हूँ। आज का जो वीडियो है वो एक मेकअप ट्यूटोरियल वीडियो रहने वाला है बेसिकली। सो अभी नेक्स्ट मंथ ही रक्षाबंधन आ रहा है। सो बहुत सिंपल स्टेप्स से आप फटाफट से वो स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। एंड अगर वीडियो मेरा अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर करना गाइस। मुझे सपोर्ट कीजिए आप सब। मैं बहुत मेहनत करती हूँ अपने वीडियोस को, अच्छा कंटेंट लाती हूँ कि मैं अपने वीडियोस को इंटरेस्टिंग बना पाऊँ, और मुझसे जितना हो सकता है मैं उतना सब कुछ करती हूँ। और प्लीज़ मुझे अच्छा आप सपोर्ट कीजिए। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड टू आवर वीडियो। गाइस अभी मैंने अच्छे से अपने फेस को वॉश कर लिया है और मैं आपको बता दूं कि मैंने कौन सा फेस वॉश यूज़ किया है। सो मैंने ये मिनीसो का फेस वॉश यूज़ किया है जिसमें कि एक ये ब्रिसल्स वाले आते हैं। जब भी हम मेकअप करते हैं मेकअप के बाद जो हमारा फाउंडेशन वगैरह रहता है अच्छे से प्रॉपरली हमारे फेस से नहीं निकल पाता है। सो उनके लिए ये आप ब्रशेस वाले फेस वॉश ज़रूर यूज़ करें, एक बार ट्राई ज़रूर करना। और बहुत अच्छा फेस वॉश है ये, मुझे बहुत पसंद आता है। लाइक ये क्लिंजिंग टाइप है और अच्छे से हमारे फेस को फेस के जितने भी फाउंडेशन क्रीम्स वगैरह वो अच्छे से डीप क्लीनिंग करता है। सो मैं इसका प्राइस फाइंड आउट करके आप सभी को बता दूंगी, आप स्क्रीन पर डाल दूंगी मैं, तो आप चेकआउट कर लेना। मिनीसो का जो मैं दिल्ली गई थी तो वहां से मैंने ये परचेज किया था, तो बहुत अच्छा क्लिंजर है, आप जरूर ट्राई करना। इस बार यूज करने के बाद जहाँ पे मैं ये निविया का सॉफ्ट मॉइस्चराइजर यूज कर रही हूँ, तो हम ये फटाफट से हमारे फेस पे लगा देंगे, क्योंकि कोई भी मेकअप करने के पहले हमें हमारे फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज करना बहुत जरूरी होता है। अच्छे से फेस मॉइस्चराइज हो गया है। एंड द नेक्स्ट चीज इज लाइक अगर हम कहीं बाहर जा रहे हैं तो ऑलवेज हमें ये सनस्क्रीन लगाना बहुत जरूरी होता है। इसके पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था, एकदम थोड़ी सी क्वांटिटी में ले रही हूँ। और ये टिंट में थोड़ा सा आता है तो आपके फेस को अच्छे से ग्लो बनाएगा ये, जैसे कि मैं आपको बता दूँ। थोड़ा सा ब्राइटन अप करेगा ये आपके फेस को। सो हमारे ये सनस्क्रीन अप्लाई हो चुका है अच्छी तरह से। यहाँ पे गार्नियर का बेबी क्रीम यूज कर रही है जो कि ये ऐसी छोटी सी ट्यूब में आता है, क्योंकि हम इस मेकअप में कोई फाउंडेशन वगैरह नहीं अप्लाई करने वाले, बहुत सिंपल सा मेकअप लुक करने वाले, इसलिए यहाँ पे मैं ये सीसी क्रीम बेबी क्रीम यूज कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी क्वांटिटी में बेबी क्रीम ले लिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। नीचे मैं थोड़ा थोड़ा करके अप्लाई करूंगी अपने फेस पे। एंड जैसे अपना आप अपने फिंगर टिप्स के हेल्प से आप इसे अच्छे से थोड़ा सा ब्लेंड कर लेना, हाथ से ही कर सकते हैं आप धीरे धीरे करके। गाइस आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से मेरा बेबी क्रीम हाथ से ही ब्लेंड हो गया है, बट थोड़ा सा मैं अच्छी ज़्यादा लेयर देना पसंद करूँगी। अगर आपको आपके फेस पे परफेक्ट लग रहा है तो इट्स ओके, नहीं तो आप और एक लेयर उसको दे सकते हैं। सो गाइस यहाँ पे मैं ये मेबलिन का कंसीलर लगा रही हूँ अपने आईलिड्स पे, और थोड़ा सा आईज के नीचे भी मैं अप्लाई करूंगी कंसीलर। और आप बीबी क्रीम अपने नेक के पास भी लगा लेना, नेक के अराउंड। एंड अभी नेक्स्ट में ये ब्रश के हेल्प से अपने कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। तो गाइस मेरा कंसीलर भी अच्छे से ब्लेंड हो चुका है और थोड़ा सा भी मेरा फेस सेटल दिख रहा है। सो गाइस अभी ये मैं A1 का कॉम्पैक्ट यूज कर रही हूँ, थोड़ा सा पुराना हो गया बट बहुत सही कॉम्पैक्ट है ये, मुझे बहुत पसंद आता है। एंड उसे ब्रश के हेल्प से मैं अप्लाई करूँगी। सो
सो गाइस, मेरा कॉम्पैक अच्छे से अप्लाई हो चुका है और अभी नेक्स्ट चीज़ जो है वो मैं अप्लाई करने वाली हूँ। सबसे पहले अभी मैं अपने आईज़ का मेकअप करूँगी। सो आईज़ के लिए बहुत सिंपल सा मेकअप है, कुछ ज़्यादा आपको अप्लाई करना नहीं है प्रोडक्ट। यहाँ पे सिर्फ ये एक मैं ये वेट एंड वाइल्ड का जो छोटा सा पैलेट है वो यूज़ कर रही हूँ। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। सो इसके लिए मैं आपको यहाँ पे बहुत सारे अच्छे से शेड्स मिलते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। सो एज मैं अपने ड्रेस से मैचिंग शेड अप्लाई करने वाली हूँ और ये थोड़ा सा इंडो वेस्टर्न मेकअप लुक रहने वाला है। वेट एंड वाइल्ड के पैलेट में से मैं ये शेड अप्लाई कर रही हूँ जो कि थोड़ा सा लाइट शेड है, ब्राउनिश में थोड़ा लाइट शेड है। एक स्मॉल ब्रश के हेल्प से अप्लाई करूँगी और एकदम लाइट अप्लाई करूँगी मुझे, क्योंकि ज़्यादा मेकअप नहीं चाहिए अपने इस मेकअप लुक के लिए। जैसे कि आप गाइस देख सकते हैं और अच्छे से अप्लाई हो रहा है वो, बस मैं उसे थोड़ा सा अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। बस मैंने दोनों आईलिड्स पर अच्छे से आई शेड अप्लाई हो चुका है और जो नेक्स्ट चीज़ है वो है आईलाइनर। यहाँ पे मैं ये लैक्मे का आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ और यही आईलाइनर मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, सो इसलिए मैं यहाँ आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ और अच्छे से मैट फिनिश में भी आता है एंड अच्छे से अप्लाई हो जाता है। यहाँ पे बस ये मैंने ब्रश इसका चेंज कर दिया है। इन गाइस यहाँ पे मैंने अपना आईलाइनर अप्लाई कर लिया है, बट ये आईलाइनर को मुझे यहाँ से थोड़ा सा कम करना है क्योंकि ये मुझे एकदम स्ट्रेट आईलाइनर चाहिए। सो यहाँ पे जस्ट मैं एक ये ईयरबड लूँगी और थोड़ा सा अपने हाथ में मेकअप रिमूवर लूँगी एंड उसे जस्ट थोड़ा सा क्लीन कर लूँगी अपने आईज़ के कॉर्नर से। मुझे मैं ऐसा मेरा आईलाइनर चाहिए था, सो ये क्रिएट हो चुका है एंड यही टेक्निक बहुत इजी है, मुझे तो बहुत इजी लगती है, आप भी ज़रूर ट्राई करना। अच्छी तरह से दोनों साइड सेम आईलाइनर लग चुका है। एंड गाइस जो नेक्स्ट चीज़ है वो है जो हमने यहाँ पे अपना आईलाइनर को क्लीन किया है, सो कॉम्पैक्ट के हेल्प से हम उसे थोड़ा सा बस हमारे आईज़ के अराउंड हम ये कॉम्पैक्ट को यूज़ करेंगे अप्लाई करेंगे। सो गाइस यहाँ पे हमारा आई मेकअप ऑलमोस्ट हो ही चुका है। मैं यूज़ कर रही हूँ ये मस्करा एंड ये हमेशा मैं यही मस्करा यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे ये वाला मस्करा पसंद है एंड जो सेकंड चीज़ है मेरे पास एक ही मस्करा है, इसलिए मैं यही मस्करा अप्लाई करती हूँ। यहाँ पे मेरा मस्कारा अच्छे से अप्लाई हो चुका है एंड मेरा आई मेकअप भी हो चुका है एंड फिर अभी नेक्स्ट चीज़ आईब्रो पेंसिल और मैं अपने आईब्रोज को अच्छे से फिल कर लूँगी। मेरे आईब्रोज पे अच्छे से फिल हो चुकी है और जो नेक्स्ट चीज़ है वो है ब्लश। सो यहाँ पे मैं सिवाना का ब्लश अप्लाई कर रही हूँ। ब्लश भी अप्लाई हो चुका है अच्छे से। सो नेक्स्ट जो चीज़ है वो है हाइलाइटर। सो यहाँ पे मैं ये वाला हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ। ये जो हाइलाइटर है ये यूज़ कर रही हूँ जो कि थोड़ा सा पीच शेड में है, सो मैं ये हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ एक ब्रश के हेल्प से। यहाँ पे फिर उसके बाद मैं ये फिक्सर यूज कर रही हूँ जो कि है NYB का।
मैंने डिसाइड किया था कि वो लिपस्टिक लगाऊंगी शुगर कॉस्मेटिक की, बट अब मुझे वो लिपस्टिक खुद की मेकअप पे जच नहीं रही थी, तो इसलिए मैं यहाँ पे ये NYB की जो लिप क्रेयॉन सो वही मैं यूज़ कर रही हूँ। ऐसी लिपस्टिक अप्लाई हो चुकी है जैसे कि आप देख सकते हो, मेकअप लुक हो चुका है। बस मैं अभी फटाफट चेंज करके आप सभी को बता दूं कि मैंने कैसा अपना पूरा लुक क्रिएट किया है। और यहाँ पे बहुत सिंपल सा मेकअप किया है और ज़्यादा कुछ भी अप्लाई मैंने नहीं किया जैसे कि आपने देख चुका है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर करना। गाइस प्लीज़ मुझे अच्छे से सपोर्ट कीजिए क्योंकि ये मैं बहुत मेहनत करती हूँ कि अच्छे से अच्छा कंटेंट लेके आऊँ आप सभी के लिए, आपको अच्छा अच्छी अच्छी चीज़ें मैं सिखा सकूँ, अच्छे अच्छे मेकअप ट्यूटोरियल्स दे सकूँ। सो इसलिए अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर करना। सब्सक्राइब के बाद में जो बेल बटन है उसे क्लिक करना, उससे आपको मेरी वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। अब सजाए क्या ये ख्वाब सजाना है।